दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और देश का हर नेता यहाँ पहुँचने का सपना देखता है। दिलचस्प है कि लोकतंत्र के इस मंदिर यानी संसद का निर्माण भी एक मंदिर की तर्ज पर ही हुआ है। हालांकि देश में बनी तमाम सरकारों ने इस मंदिर की ऐसी अनदेखी की कि आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी इस मंदिर तक आम लोगों का पहुँचना काफी मुश्किल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के बाद कमलनाथ हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर सूबे की सियासत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ने वाले हिंदू मंदिर 64 योगिनी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहां तक जाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आपको किराए पर टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही सड़क की हालत बद से बदतर है। यह वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री राज्य की सड़कों को न्यूयॉर्क की तरह बनाने का दावा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने 1323 ईस्वी सन में कराया था। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर एक वृत्तीय आधार पर निर्मित है और इसमें 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक शिवलिंग है। मंदिर के मध्य में एक खुला हुआ मंडप है। इसमें एक विशालकाय शिवलिंग है। यह मंदिर 101 खंभों पर टिका हुआ है और इस मंदिर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया है। 64 योगिनी माता आदिशक्ति काली का अवतार है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माँ काली ने यह अवतार लिए था। 64 योगिन मंदिर एक जमाने में तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहलाता था। मुरैना में कई टूरिस्ट प्लेस है। इसमें मितावली स्थित 64 योगिनी मंदिर है, जिसके पास ही पड़ावली है, और इसके अलावा शनिचरा मंदिर भी मौजूद है। शनिचरा मंदिर को श्रद्धा के साथ पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।